सवाल बड़ा गंभीर सा है आपका, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है खुद को जानना। मुझे एक पुरानी घटना याद है, एक बार एक लायंस क्लब के लोगों ने मुझे स्पीच के लिए बुलाया था, ये करीब 40 साल पुरानी घटना होगी, और उन्होंने फिर चिट्ठियाई जैसा उनका रहता है कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उस कार्यक्रम में मैं वक्ता था और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उनको भी चिट्ठी गई कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उन्होंने कोई 10 पेज का अपना बायोडाटा भेजा था, उन्होंने कब काम किया। मुझे आया तो मैंने एक पोस्टकार्ड लिखा था कि आपने मेरे विषय में जानने के लिए कहा है, मैं खुद को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अभी कुछ बता नहीं पाऊँगा। और वहाँ मज़ा ये हुआ कि उनका परिचय पढ़ने में कोई 10 मिनट गया और मेरा परिचय पढ़ने में 10 सेकंड भी नहीं गया। ये बात सही है कि खुद को जानना बहुत कठिन होता है, लेकिन जानने का तरीका क्या हो सकता है? जानने का तरीका ये होता है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, प्रोटेक्टिव लाइफ में से बाहर आते हैं और खुद को कहीं ना कहीं चैलेंज मोड में ले जाते हैं, तब पता चलता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये करने की मेरी क्षमता या है या नहीं है। दूसरा, हम ये सोच सकते हैं कि एक सप्ताह भर के अंदर हम देखें, अगर हम थोड़ी डायरी अपनी बना दें कि इस सप्ताह में मेरे मन से कौन से काम किए, फिर देखें कि उसमें सबसे ज़्यादा आनंद आया वो काम कौन सा था, कम आनंद आया वो काम कौन सा था, अच्छा यार बेकार में मैं क्यों ये करने चला गया। आप अगर साल भर अपनी ऐसी डायरी मेंटेन करें तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा एप्टीट्यूड ये है, मुझे ये अच्छा लगता है, इसको मैं ठीक से कर सकता हूँ और इसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा अपने आप में। अब जैसे आज आपने देखा होगा कि आज हमारे, मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्कूल के छात्रों को आज इस पूरे प्रोग्राम को संचालन करने का अवसर दिया और बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। अब संभावना है कि आज के बाद उनमें से किसी को विचार आएगा ये काम मैं कर सकता हूँ। टीचर उनके होंगे, उनको भी लगेगा अब जब भी स्कूल में फंक्शन होगा इनको लोग खड़ा करेंगे। मतलब एक अवसर मिला, उसने अपने आप को तैयार किया, अब उसका आत्मविश्वास बन जाएगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। होगा कि नहीं होगा? ये कार्यक्रम के पहले शायद उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आज के बाद जरूर सोचेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ। हो सकता है कि वो इसी को अपना प्रोफेशन बनाना तय करे, तो आप देखेंगे वो 500 चीज़ें पढ़ेगा, बड़े साहित्य की चीज़ों की नोट बनाएगा और सोचेगा कि मुझे इस प्रकार के फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए, इस फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए। ये तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? मतलब उसने अपने सामर्थ्य को जाना कि नहीं जाना? आपके जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते होंगे जब आपको कभी न कभी मौका मिला होगा। अगर आपके उसमें सफलता का आपको फीलिंग आता है कि हाँ मैंने ठीक किया, तो आपने उसको नर्चर करना चाहिए, आपने उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप सरलता से कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। दूसरा, कैरियर का अपना महत्व होता ही होता है। हर कोई न साधु बन सकता है न फकीर बन सकता है, हर एक को कुछ न कुछ जिम्मेवारियां संभालनी होती है, और कभी कभी उत्तम तरीके से जिम्मेवारियों को संभाल करके भी हम देश की उत्तम सेवा कर सकते हैं। और इसलिए जीवन में कैरियर का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि वो ये करता है इसलिए अच्छा है, चूंकि वो ऐसा करता है इसलिए अच्छा है, तो चलो मैं भी ये कर लूं, तो फिर निराश होने के अवसर बहुत आते हैं। लेकिन मेरे में ये ताकत है। अब आप देखिए, किसी माँ बाप में
कोई बच्चा ये कहे माँ मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, बेटा अगर किचन में चला जाए माँ कैसे पकाते, शुरू में तो माँ को अच्छा लगेगा चलो मदद कर रहा है, बाद में माँ चौंक जाएगी ये तेरा काम है क्या, जाओ पढ़ाई करो तुमको किचन में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन उसको मालूम है कि मेरे अंदर ये विधा है और मानो ये बड़ी मेहनत करके बहुत बड़ा शेफ बन जाए तो वही माँ कहेगी छोटा था ना मैंने तैयार किया था। कोई काम बुरा नहीं होता है जी, ये बात सही है। उस कालखंड के अपने साथियों को लगेगा क्या यार दो दो घंटे किचन में पड़ा रहता है, लेकिन हो सकता है ये छोटी सी रुचि भी उसके जीवन को बदलाव दे सकती है जी। और हो सकता है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव हो तो एक अच्छा सेफ होगा और फिर तय करेगा कि मैं सिर्फ बच्चों के न्यूट्रिशन पर ही काम करूंगा, बच्चों को क्या खाना चाहिए कैसे पकाना चाहिए वो बताइए, वो कितना बड़ा सोशल सर्विस करता हो जाएगा। एक ही व्यक्ति कैसे कैसे राह से गुजर करके जिंदगी को जी सकता है। दूसरा, और एग्जाम देनी होती है, हिम्मत के साथ देनी चाहिए, एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए, खुद को कसते रहना चाहिए। जिंदगी में अगर एकाध एंट्रेंस टेस्ट में रह गए तो क्या हुआ, लाखों लोग देते हैं कुछ लोग रह जाएंगे, तो इतना बड़ा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। हमने डर के कारण पैर न रखे, इससे बुरा कोई अवस्था नहीं हो सकती है। हमारी मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे दूसरी बार करेंगे, ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। और विद्यार्थी कालखंड विषय नहीं है, 24 साल तक हो गया 25 साल तक हो गया विद्यार्थी ऐसा नहीं है, जीवन भर भीतर के विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए। कभी भी 80 साल की उम्र में भी विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए, जिंदगी जीने का यही उत्तम मार्ग है, नया नया सीखना, नया नया जानना, नया नया पहचानना।